नमः शिवाय। वशीकरण, आकर्षण या सम्मोहन जिंदगी में जितना जरूरी है उतना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन की सभी परेशानी, दुख और कष्ट केवल इसी पर निर्भर करता है कि आप में कितना आकर्षण है, कितना सम्मोहन है या कितना आप किसी को अपने वश में कर पाते हैं। क्योंकि अगर रिश्तों में खटास आती है तो वो भी इसीलिए आती है कि सामने वाला आपके वश में नहीं होता है, और वश में हो जाए तो फिर रिश्तों में खटास कैसी हो सकती है? फिर तो खटास का नामो निशान ही नहीं हो सकता है। जीवन में धन की कमी भी सम्मोहन की कमी के कारण ही होती है, और यही दर्शाती है कि जीवन में आकर्षण और सम्मोहन कम है। जिंदगी से जुड़ी हर परेशानी, कष्ट और दुख सिर्फ आकर्षण, वशीकरण और सम्मोहन पर ही निर्भर करता है। जैसे अगर माता पिता हैं तो वह बस केवल यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका कहना माने। इसी तरह पत्नी केवल यही चाहती है कि पति उसका कहना माने, और पति भी केवल पत्नी का ही प्यार चाहता है। हर कोई चाहता है कि जहाँ भी वो जाए उसे वहाँ पर समझा जाए, प्यार दिया जाए। लेकिन अगर किसी के जीवन में सम्मोहन ना हो, आकर्षण ना हो, वशीकरण ना हो, तब ऐसे में कष्ट ही कष्ट उत्पन्न हो जाता है और जिंदगी बिल्कुल नरक जैसी ही हो जाती है। बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, पति पत्नी की नहीं सुनता है, पत्नी पति की नहीं सुनती है, घर में, ऑफिस में, कहीं भी बाहर, सब जगह फिर जीवन बिल्कुल नरक जैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर आप तंत्र में बताए हुए कुछ दुर्लभ विधि को इस्तेमाल करते हैं तो फिर निश्चित ही बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि मंत्र साधना, तंत्र साधना से कुछ भी पाया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने जीवन में आकर्षण और सम्मोहन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी दुर्लभ विधि को आप जान लीजिए। क्योंकि ये तंत्रोक्त विधि है जिनका प्रभाव बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। किसी को भी वश में करने के लिए पहला प्रयोग है वशीकरण, आकर्षण और सम्मोहन। ये सभी के लिए आपको सिर्फ एक नाग केसर के पौधे की जड़ को ले लेना है। किसी भी पुष्य नक्षत्र में जाकर आप इस पौधे से एक जड़ को निकाल लें, और निकालने से पहले आप इसे आमंत्रण जरूर दें। एक दिन पहले उस पौधे पर थोड़े से चावल, कोई भी फूल और जल चढ़ाकर आप पौधे की जड़ को आमंत्रण दें कि मैं कल आऊँगा और इस शक्तिशाली पौधे की जड़ निकाल लूँगा, कृपया मुझे आज्ञा दें। इस प्रकार आप जड़ को आमंत्रण दे सकते हैं। आमंत्रण देकर पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ आप निकाल लें। पुष्य नक्षत्र तंत्रोक्त समय है वशीकरण, आकर्षण और सम्मोहन के लिए। इसी में ये सब किया जाता है। जड़ निकालकर आप इसे सुखा लें, और ये अब तंत्रोक्त सामग्री आपकी तैयार हो गई है किसी को भी वशीकरण, आकर्षण और सम्मोहन करने के लिए। अब किसी को भी अपने वश में करना हो तो इस जड़ को अपने मुंह में रखते हुए आप उस व्यक्ति से बात करें, चाहे दूर हो या पास हो। दूर है तो फोन पर बात करें, और फोन पर बात नहीं करना चाहता है तो उसकी फोटो देखते हुए उससे बात करें। इससे जड़ को मुंह में रखते हुए जो भी आज्ञा आप उस व्यक्ति को देंगे उसे निश्चित माननी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का आपसे संबंध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी वो आपको जानता हो तभी ये वशीकरण काम करेगा। किसी अनजान पर ये काम नहीं करता है, सिर्फ उसी पर काम करेगा जो आपसे बात करता है या जो आपको जानता हो। आपको कोई भी रिश्ता होना जरूरी है, चाहे बेटा हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो या दोस्त हो, पर कोई भी रिश्ता होना जरूरी है। क्योंकि रिश्ता ही तो इस तंत्रोक्त वशीकरण में तार का काम करता है। जैसे ही नागकेसर की जड़ को मुंह में रखते हुए जो भी आज्ञा किसी को दी जाएगी उसे मानना ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो फिर आपकी बात ना माने। वह व्यक्ति आपके विरुद्ध नहीं जा पाएगा, चाहे कितना भी आपसे नफरत क्यों ना करता हो, तुरंत ही आपको इसके परिणाम मिल जाएंगे। अगली सुबह से ही उसमें ऐसा बदलाव आएगा कि आप दंग ही रह जाएंगे। ये किसी को भी वशीकरण करने का सबसे सरल विधि है, जिसमें ना तो जाप करना होता है और ना ही कोई साधना करनी होती है। बस इसमें तंत्रोक्त जड़ को अपने मुंह में रखते हुए उस व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है जिसको अपने वश में करना हो। इसी तरह अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो बस रोज इस जड़ को मुंह में रखते हुए माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें,
जो इस प्रकार है, ओम श्रीम श्रिये नमः। रोज आधा घंटा इस मंत्र का जाप जड़ को मुंह में रखते हुए जो कोई व्यक्ति करता है, उसे संपूर्ण कामयाबी तो मिलती ही है, बल्कि इंद्र जैसा वैभव योग भी उसके जीवन में बनता है। यानी जो भी कमी उस व्यक्ति के जीवन में होती है, जिंदगी में होती है, वो सब कमी पूरी हो जाती है। ये है नागकेसर तंत्रोक्त जड़ के दुर्लभ और खास प्रयोग। जिन लोगों के पास ये जड़ उपलब्ध नहीं है या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। अपने नाम से सिद्ध पाने के लिए यह कुरियर द्वारा आपको 3-4 दिन में प्राप्त हो जाएगी। ऑर्डर कैसे करना है इसकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है, तो आप कृपया इसे पढ़ लें। धन्यवाद।